रानी गिडालू, जिन्हें रानी गाय दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी गाय दिल्ली द्वारा नागालैंड में वीरतापूर्वक चलाए गए क्रांतिकारी आंदोलन के कारण उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाने लगा। आखिर कौन थी रानी गाय दिल्ली? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनकी क्या भूमिका रही और अपने नागा लोगों के लिए आजाद भारत में क्या कार्य की, आइए जानते हैं। रानी गाय दिल्ली का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लुंगकाओ गांव में हुआ था। कई लोग इस गांव को लुआंग ओ नाम से भी जानते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई भारतीय परंपरा के अनुसार हुई थी। कहा जाता है कि वो नागा जनजाति की थी जो कि जेलियांगरांग में आती है। 1930 में रानी गाय दिल्ली 13 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़ी। वे अपने भाई कोसिन व हाइपो जदोनांग के साथ हेरापा आंदोलन से जुड़ी। इस आंदोलन का लक्ष्य था क्षेत्र में दोबारा नागा राज स्थापित करना और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ना। इससे पहले कि आंदोलन की मशाल और जलती, अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 29 अगस्त 1921 में इम्फाल में फांसी की सजा हुई। जदोनांग की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर रानी के हाथों में आ गई। गाय दिल्ली हर हाल में अपनी संस्कृति, भाषा, अपनी मिट्टी की रक्षा करना चाहती थी। अंग्रेज जनजातियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और उन पर अपने जीवन शैली थोप रहे थे। गाय दिल्ली ने अपने समाज के लोगों को गांधीवादी विचारधारा से अवगत करवाने का बीड़ा भी उठाया। गाय दिल्ली के शब्दों में, धर्म को खो देना अपनी संस्कृति को खो देना है। अपनी संस्कृति को खोना यानी अपनी पहचान को खोना। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अमानवीय कर और नियमों के खिलाफ जेलियांगरांग कबीले के लोगों को एकजुट किया। इसके बाद 17 की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। 18 मार्च 1932 को हांगरुम गांव से तकरीबन 50-60 लोग अंग्रेजी सिपाहियों पर हमला बोल दिया। हालांकि बंदूक के सामने भाले और तीर धनुष कमजोर पड़ गए। इस युद्ध के बाद रानी गाय दिल्ली अंडरग्राउंड हो गई। अंग्रेजों ने इस हमले का बदला लेने के लिए गाय दिल्ली की खोज शुरू की। गाय दिल्ली की लोकप्रियता से अंग्रेज सरकार पहले से ही परेशान थी और गुरिल्ला युद्ध उनके चेहरे पर तमाचा था। अंग्रेज सरकार ने असम राइफल्स के कैप्टन मैकडॉनल्ड को गाय दिल्ली को पकड़ने के लिए भेजा। कैप्टन को टिप मिली कि गाय दिल्ली और उसके साथ ही पुलोमी गांव में छिपे हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने गांव पर हमला बोल दिया और 17 अक्टूबर 1932 को गाय दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ से गाय दिल्ली को कोहिमा फिर इम्फाल ले जाया गया। यहाँ पर उन्हें हत्या की साजिश का आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वहीं उनके ज्यादातर साथियों को या तो मौत की सजा हुई या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। भारत को आजादी मिलने तक 1933 से 1947 तक रानी गाय दिल्ली को जेल में रखा गया। उन्होंने गुवाहाटी, शिलोंग, आइजोल, तुरा जेलों में सजा भुगती। उनकी गिरफ्तारी और उनके साथियों की मृत्यु के बाद हेरापा आंदोलन की लौ भी बुझ गई थी। 14 साल जेल में रहने के बाद जब भारत आजाद हुआ तब रानी गाय दिल्ली को भी आजादी मिली। साल 1952 तक वो अपने छोटे भाई मारंग के साथ तुएनसांग के विमरप गांव में रही, जिसके बाद उन्हें अपने गांव लौटने की इजाजत मिली। जेल से छूटने के बाद रानी गाय दिल्ली ने अपने लोगों के लिए काम जारी रखा। आजाद भारत में रानी नागा नेशनल काउंसिल के खिलाफ थी। ये काउंसिल नागाओं के लिए अलग देश की मांग कर रही थी और भारत से अलग होना चाहती थी। रानी गाय दिल्ली ने भारत में ही अलग जेलियांगरांग क्षेत्र की मांग की। नागा नेताओं ने रानी की मांग का विरोध किया और उन्हें 1960 के दशक में मजबूरन दोबारा अंडरग्राउंड जाना पड़ा। 1965 में रानी के समर्थकों ने 9 नागा लीडर्स की हत्या कर दी और रानी एक बार फिर चर्चा में आ गई। साल 1966 में भारत सरकार से बातचीत के बाद रानी ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। रानी गाय दिल्ली को साल 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
17 फरवरी 1993 को रानी का निधन हो गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1996 में एक स्टाम्प और 2015 में एक सिक्का जारी किया।